हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज से हम आपके लिए आईआईटी जेम 2021 के लिए एक रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपके आईआईटी जेम का जो रियल एनालिसिस के टॉपिक्स हैं, जैसे कि टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन, सिक्वेंस, सीरीज, पावर सीरीज, इन सभी टॉपिक बेस हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस करेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और आप समझ सकेंगे कि कैसे हमें रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को टैकल करना है एग्ज़ाम के अंदर। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी आप रामानुजन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और रामानुजन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स मोबाइल ऐप के ऊपर अभी एक आपके आईआईटी जेम 2021 के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है। आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हमने 5 प्रॉब्लम ली हैं। आपकी ये प्रॉब्लम आपका सीक्वेंस के ऊपर बेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप जो पहली प्रॉब्लम कर रहे हैं वो क्या है कि लेट एक्स एन एन वाई एन बी टू सिक्वेंसिस इन आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो पहला ऑप्शन आपके पास है, इफ एक्स एन इज डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी एंड वाई एन इज बाउंडेड सिक्वेंस, देन एक्स एन वाई एन कन्वर्ज टू इनफाइनाइट। तो आपको चेक करना है क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। एंड दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट। वाई? इफ टेक एक्स एन टू बी एन, then xn diverges to plus infinity, but take yn to be zero sequence, then yn is bounded sequence, but xn yn will be in zero sequence which does not diverge to plus infinity। तो आपका जो पहला ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड में क्या है? इफ एक्स एन प्लस एक्स एन अपॉन एन कन्वर्जेस, देन एक्स एन कन्वर्जेस, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका हम ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। तो आपको गिवन क्या है कि एक्स एन प्लस एक्स एन अपॉन एन दिस इज कन्वर्जेंट, देन वी हैव टू चेक, इट इम्प्लाइज एक्स एन इज कन्वर्जेंट, एंड इट इम्प्लाइज एक्स एन इज कन्वर्जेंट। एंड वी क्लेम दिस इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। अब इसको प्रूफ करेंगे वाई दिस इज ट्रू। सो लेट my yn is to be xn plus xn upon n, which is, अगर हम यहाँ से xn कॉमन निकाल लेते हैं, so it will be 1 plus 1 by n। और मुझे गिवन क्या है कि आपकी जो yn है वो सिक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। सो गिवन yn इज कन्वर्जेंट सिक्वेंस। नाउ हम एक और सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, जेड एन। लेट जेड एन इजकल्स टू 1 plus 1 बाई एन, एंड ऑब्वियसली जेड एन कन्वर्जेस टू 1 बिकॉज 1 बाई एन कन्वर्जेस टू 0, सो जेड एन कन्वर्जेस टू 1। सो मेरे पास अभी दो सीक्वेंस है, वाई एन एन जेड एन, और दोनों क्या है? कन्वर्जेंट है। देन yn and zn
बोथ आर कन्वर्जेंट एंड जेड एन कन्वर्जेस टू वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है अगर आपके पास दो सिक्वेंस है और दोनों ही कन्वर्जेंट हैं देन देयर रेशियो इज ऑल्सो कन्वर्जेंट प्रोवाइडेड आपका जेड एन जीरो पे कन्वर्ज ना कर रहा हो। सो इट इम्प्लाइज वाई एन अपॉन जेड एन इज कन्वर्जेंट। बट वाई एन आपके पास क्या है, वाई एन इज एक्स एन इंटू वन प्लस वन बाई एन एंड दिस इज नथिंग बट जेड एन। सो इट इज एक्स एन इंटू में जेड एन, सो इट इम्प्लाइज माई एक्स एन इज नथिंग बट वाई एन एम अपॉन जेड एन। सो दिस इज कन्वर्जेंट। वाई दिस इज कन्वर्जेंट बिकॉज वाई एन इज कन्वर्जेंट, जेड एन इज कन्वर्जेंट, सो देयर रेशियो इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सो एक्स एन इज कन्वर्जेंट। सो माई ऑप्शन बी इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। सो आपका ऑप्शन जो बी है वो ट्रू हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन, इफ एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन अपॉन एन कन्वर्जेस देन एक्स एन कन्वर्जेस। सो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई फॉल्स को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं लेट माई एक्स एन इज माइनस वन की पावर एन। तो ये हम ले लेते हैं इस ऑप्शन के लिए। ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं, लेट एक्स एन इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन देन व्हाट इज दिस सीक्वेंस देन एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन अपॉन एन। दिस सीक्वेंस विल बी वन प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन एन एंड दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू वन बिकॉज दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो। सो दिस कन्वर्जेस टू वन, सो इट इम्प्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस टू वन। सो इट इम्प्लाइज नॉट एक्स एन बट एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन अपॉन एन कन्वर्जेस टू वन बट एक्स एन itself does not converge. So my option C is actually a false statement. So my option C is false. Option D, if xn square plus xn square by n converges then xn converges, this is again a false statement. Hum again yahan pe kya le sakte hain, xn equals to माइनस वन की पावर एन। तो इसी सीक्वेंस आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और दिस आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन ट्रू है विच इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट ए एन इक्वल्स टू आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है बी ऑफ रियल नंबर्स देन फर्स्ट ऑप्शन इज ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन इज डाइवर्जेंट, ए एन हैज अनबाउंडेड सीक्वेंस एंड डी ए एन इज ऑक्सिलेट फाइनेटली। तो चलिए चेक करते हैं इसे, आपके पास ए एन क्या है, माई ए एन इज वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन अपॉन एन, दिस माई ए एन। अभी मैं यहाँ पे इसकी दो सबसिक्वेंस निकालता हूँ, इवन सबसिक्वेंस और ऑड नंबर की सबसिक्वेंस। सो माई लेट माई एन इज से टू एम देन ए टू एम विल बी इक्वल्स टू वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर अप टू माइनस वन की पावर टू एम माइनस वन इंटू में टू एम माइनस वन टू एम अपॉन टू एम। ये आपके पास टर्म आ गई ए टू एम। अब अगर इसको हम ऐड करते हैं तो इसमें कितने पेयर्स बनेंगे आपके पास,
आपके पास यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? आपके पास 2m टर्म्स हैं, 2m टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, तो आप इनको पेयर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले 2 टर्म का पेयर अप कर लिया, 1 और -2, देन अगेन पेयर अप 3 -4 एंड सो ऑन, तो आपके पास कितने पेयर बनेंगे? देर आर एम पेयर्स, एम सच पेयर। आपके पास टोटल 2n टर्म्स हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या दो दो टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे, तो आपके पास कितने पेयर बनेंगे? एम पेयर्स बनेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ईच पेयर का जो सम है वो कितना होगा आपके पास, इसका सम कितना बनेगा? -1, इसका सम कितना बनेगा? -1 एंड सो ऑन, तो आपके पास एम पेयर्स बनेंगे और हर एक पेयर का सम आपका बनेगा -1, सो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे? -m, सो a2m विल बी इक्वल्स टू -m अपॉन 2m, इट विल बी एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी -1/2, सो इट इंप्लाइज a2m इज इक्वल टू -1/2। तो आपके पास जो सबसिक्वेंस a2m है वो क्या हो गया आपके पास? -1/2, सो इट इंप्लाइज a2m सबसिक्वेंस कन्वर्जेस टू -1/2। तो इसकी जो इवन टर्म्स की जो सबसिक्वेंस है वो कन्वर्ज कहाँ कर रही है? -1/2 के ऊपर। अब हम निकालते हैं ऑड टर्म्स की सबसिक्वेंस, तो अभी मुझे निकालते हैं ऑड टर्म्स की सबसिक्वेंस। लेट माई एन इक्वल्स टू 2m+1, देन a2m+1 विल बी इक्वल्स टू 1 -2 प्लस 3 -4 एंड सो ऑन अप टू -1/2m इंटू में 2m+1 अपॉन में 2m+1। नाउ अगेन आपके पास यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी? ऊपर अभी 2m+1 टर्म्स होंगी, यानी कि टोटल आपके पास और टर्म्स हैं। तो अगेन हम आप क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका फर्स्ट पेयर ये बन जाएगा अगेन 1 -2, देन 3 -4, और ऐसे आपका कितने पेयर बनेंगे? एम पेयर्स बनेंगे। तो देर विल बी टोटल एम पेयर्स, टोटल एम सच पेयर। और फिर आपके पास लास्ट टर्म बचेगी, दिस इज एक्स्ट्रा टर्म, क्योंकि आपके पास टोटल टर्म आपकी ऑड है, तो दिस विल बी एक्स्ट्रा टर्म जो कि पेयर में नहीं आएगी, एक्स्ट्रा टर्म। सो ईच पेयर का सम आपका -1 बनेगा, तो आपके पास कितने पेयर बनेंगे? ऐसे एम पेयर बनेंगे, तो सम कितना बन जाएगा? ए 2m+ विल बी इक्वल्स टू -m प्लस 2m+1 अपॉन में 2m+1, एंड दिस इक्वल्स टू नथिंग बट m+1 अपॉन में 2m+1। सो माई सिक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स कम्स आउट टू बी m+1 अपॉन में 2m+1, एंड दिस गोज टू 1/2 एज m गोज टू +∞। सो इट इंप्लाइज मुझे यहाँ से क्या मिला कि मेरे पास जो सबसिक्वेंस है ऑड टर्म्स की, दिस विल कन्वर्जेस टू 1/2। और मैं अभी पहले ही निकाल चुका हूँ कि सबसिक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स कहाँ जा रही है आपके पास? -1/2 के ऊपर। सो आपकी जो सिक्वेंस है वो क्या है? ऑक्सिलेटिंग, फाइनाइटली ऑक्सिलेटिंग सिक्वेंस है। सो इट इंप्लाइज ए एन इज ऑक्सिलेटिंग फाइनाइटली सिक्वेंस। ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो ए इज ऑब्वियसली रॉन्ग, ए एन इज कन्वर्जेंट बिकॉज ए इज ऑक्सिलेटिंग फाइनेटली, दिस नॉट डाइवर्जिंग, एंड ए एन हैज ए अनबाउंडेड सबसिक्वेंस, ये भी आपका रॉन्ग है बिकॉज इट इसके पास सिर्फ दो ही आपके लिमिट पॉइंट्स हैं विच इज -1/2 एंड 1/2, ओनली 2 लिमिट पॉइंट्स विच इज -1/2 एंड 1/2। सो देर इज नो अनबाउंडेड सबसिक्वेंस,
अगर इसी क्वेश्चन आपसे अगर वो पूछता है कि व्हाट इज इट्स लिम सूप, सो इट लिम सूप विल बी 1/2 एंड व्हाट इज इट्स लिम इंफीरियर विच इज -1/2, सो इट हैज नो अनबाउंडेड सबसिक्वेंस, सो ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एन ऑक्सिलेट फाइनेटली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट xn बी ए सिक्वेंस इन 0 1, सपोज दैट 4xn इंटू में 1 माइनस एक्स एन प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज xn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सेकेंड वन इज xn इज बाउंडेड बट नॉट मोनोटोनिक, एंड थर्ड ऑप्शन इज xn इज ऑक्सिलेटिंग फाइनेटली, एंड द लास्ट ऑप्शन इज xn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू हाफ। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, अब ये तो हमें क्लियर है कि आपकी जो सिक्वेंस xn है वो क्या बाउंडेड है, बिकॉज xn इज इन द सेट 0 1, सिंस xn बिलोंग्स टू 0 1, इट इम्प्लाइज xn इज बाउंडेड सिक्वेंस। तो मेरे पास है गैस स्टेटमेंट 4xn इंटू 1 माइनस एक्स एन प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी सो इट विल बी कन्वर्जेंट बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑलरेडी आपके पास क्या है, बाउंडेड है। तो अगर आप सम हाउ अगर ये प्रूफ कर दीजिए कि सिक्वेंस आपकी मोनोटोनिक है देन इट विल बी कन्वर्जेंट। सो देखिए कैसे चेक करते हैं कि ये मोनोटोनिक है या नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इट विल बी 4xn माइनस 4xn xn प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज 4xn माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4xn और xn प्लस 1। अभी क्या करते हैं, इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं किस चीज से, डिवाइड बाय 4xn स्क्वायर थ्रू आउट। इसको थ्रू आउट हम डिवाइड कर देंगे 4xn स्क्वायर से, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, सो आई विल गेट 4xn माइनस 1 अपॉन में 4xn स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn प्लस 1 अपॉन xn। यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, और इसको मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ xn प्लस 1 अपॉन xn इज लेस देन इक्वल्स टू 4xn माइनस 1 अपॉन में 4xn स्क्वायर। Now this quantity is always less than equals to 1. Why this quantity is always less than equals to 1? Because 4xn minus 1 will be less than equals to 4xn square. अगर इसको उधर लेके जाता हूँ तो it will be 4xn square minus 4xn plus 1 will be greater than equal to 0, which is nothing but 2xn minus 1 का whole square. इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपकी पॉजिटिव ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, सो दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस, सो दिस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो मुझे इससे क्या मिलेगा, सो इट इम्प्लाइज xn प्लस 1 अपॉन xn इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, सो इट इम्प्लाइज xn प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू xn। इट मीन्स आपकी जो सीक्वेंस है एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सो दिस इज एक्चुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो माय ऑप्शन ए इज करेक्ट, माय ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज एक्चुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और वो बाउंड पहले ही है,
इट मस्ट कन्वर्ज, सिंस एक्शन इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इट मस्ट कन्वर्ज। तो आपके कन्वर्ज करेगी, सपोज मान लेते हैं कि सपोज एक्स एन कन्वर्जेस टू एल, हमने मान लिया कि जो एक्स एन वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एल के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। नाउ मेरे पास रिलेशन का गिवन है, फोर एक्स एन इंटू वन माइनस एक्स एन प्लस वन, फोर एक्स एन इंटू में वन माइनस एक्स एन प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये मुझे गिवन है। सो टेकिंग लिमिट एज एन गोज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज फोर एल इंटू में वन माइनस एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सो इट इम्प्लाइज 4L minus 4L square is always greater than equals to 1, so it implies 4L square minus 4L plus or always greater than equals to 0 is nothing but 2L minus 1 whole square is less than equal to 0, but this is actually a non-negative quantity, so less than equal to 0 kab hogi, if and only if this is 0, so it implies 2L minus 1 must be 0, so it implies L must be 1 by 2. दोस्त सीक्वेंस एक्चुअली कन्वर्जेस टू 1/2, तो आई थिंक आपके पास एक ऑप्शन भी है ये। सेम ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। एक्शन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1/2, सो ऑप्शन बी इज ऑब्वियसली फॉल्स because my xn is monotonic. D is also false because xn is convergent. तो आपके पास ऑप्शन ए और डी इस क्वेश्चन में क्या थे, ट्रू स्टेटमेंट्स थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ C is greater than 0 but less than D, then the sequence, आपको एक सीक्वेंस गिवन है, इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और ऐसे आपके पास दो ऑप्शन है C और D भी। तो चेक करते हैं क्या आएगा ये। ए एन इक्वल्स टू सी एन प्लस डी एन ऑल की पावर 1/n। आपको गिवन क्या है कि C इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन D, सो इट इम्प्लाइज C बाई D विल बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। आपको C जो D है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। नाउ सो इट इम्प्लाइज माई ए एन इक्वल्स टू, यहाँ से D पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, सो इट विल बी D टाइम्स C बाई D की पावर n प्लस 1 होल की पावर 1/n। Now, taking limit n goes to infinity, a n equals to, this is d, now since c by d is less than 1, so it implies this limit goes to 0, since c d आपका 1 से कम है, so its limit will go to 0, so this is 0 plus 1 by 0 which is nothing but d. So this sequence is actually a convergent sequence and it converges to D. So it implies
EN is convergent sequence. बट एक्चुअली आपको यहाँ पे चेक करना है क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एंड सो ऑन. चलिए चेक करते हैं. मुझे गिवन क्या है, माई ए एन इज डी टाइम्स सी डी की पावर एन प्लस वन की पावर वन बाई एन. नाउ सिंस सी बाई डी इज पॉजिटिव एंड लेस देन वन, सो इट इंप्लाइज सी बाई डी की पावर एन प्लस वन विल बी लेस देन सी बाई डी की पावर एन. बिकॉज अगर आपकी क्वांटिटी एक से कम है, पॉजिटिव है, तो अगर आप पावर इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हो डिक्रीज करेगी. सो सी बाई डी की पावर एन प्लस वन विल बी लेस देन सी बाई डी की पावर एन. नाउ एडिंग वन बोथ साइड विल चेंज नथिंग, सो इट इम्प्लाइज वन प्लस सी बाई डी एन प्लस वन होल की पावर वन बाई एन प्लस वन विल बी लेस देन इक्वल्स टू c by d की पावर n प्लस वन की पावर वन अपॉन एन प्लस वन. नाउ तो मुझे ऐसे क्या मिल गया, इट इंप्लाइज वन प्लस c by d पावर n प्लस वन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन विल बी लेस देन इक्वल्स टू वन प्लस c by d की पावर एन होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन. दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन प्लस सी बाई डी की पावर एन होल पावर वन बाई एन बिकॉज दिस इज सेम क्वांटिटी. ये आपके पास क्वांटिटी सेम है बट आपके यहाँ पे पावर ज़्यादा है, वन बाई एन इज बिगर देन वन अपॉन एन प्लस वन, सो दिस क्वांटिटी विल बी बिगर देन दिस. तो ओवरऑल मुझे यहाँ से क्या मिल गया, इट इम्प्लाइज वन प्लस सी बाई डी होल पावर एन प्लस वन वन अपॉन एन प्लस वन विल बी लेस देन इक्वल्स टू वन प्लस सी बाई डी होल पावर एन होल पावर वन अपॉन एन. तो अब क्या कर देते हैं, इसमें डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज डी इज पॉजिटिव, सो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. डी And what is this? This is nothing but a n plus 1 and this is what? This is nothing but a n. तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि my a n plus 1 is less than equals to a n. So the sequence is actually monotonically decreasing sequence. तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं. Now the sequence is monotonically decreasing sequence, so this option is wrong because it say monotonically increasing, this is false statement. So this is monotonically decreasing, this is correct. Is it bounded? Yes, this is bounded. Why bounded? Because this is bounded by zero, so this is obviously bounded sequence. So option B is correct, it is bounded and monotonically decreasing sequence. Now what about option C and D? It is monotonically increasing but unbounded for C and D greater than 1. This is obviously wrong because this is actually a bounded sequence. Why is it bounded? Because this is actually a convergent sequence and any convergent sequence is always bounded. तो यहाँ पे C और D का तो कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं कि C और D की वैल्यूज क्या हैं. जब तक आपका C और D आपके पॉजिटिव हैं और D आपका बड़ा है C से, इट विल रिमेन बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. तो आपका ऑप्शन C और D यहाँ पे दोनों ही क्या है, फॉल्स हैं बिकॉज वी आर नो वेयर यूजिंग कि C और D वो एक से बड़े हैं. वी आर जस्ट यूजिंग कि C इज पॉजिटिव, D इज पॉजिटिव एंड D इज बिगर देन C, जस्ट दिस. सो माई ऑप्शन C एंड D आर अगेन रॉन्ग.
सॉल्व ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज बाउंडेड एंड ट्रिग्नोमेट्रिकली डिक्रीजिंग। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या, आपके पास आपको एक सीक्वेंस गिवन है, तो आपको उसका लिम्ब सुप और लिम्ब इंफीरियर निकालना है। तो दिस एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन। तो सीक्वेंस आपके पास, माय सीक्वेंस xn इक्वल्स टू n प्लस वन अंडर रूट माइनस रूट एन। नाउ इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। सो xn विल बी n प्लस अंडर रूट माइनस रूट एन इंटू में एन प्लस अंडर रूट प्लस रूट एन अपॉन में एन प्लस अंडर रूट और प्लस रूट एन। सो इट विल बी एक्स एन विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन में एन प्लस अंडर रूट और प्लस का रूट एन। नाउ दिस सिंस दिस कन्वर्ज टू जीरो, सो इट इम्प्लाइज एक्स एन इज एक्चुअली ए कन्वर्जेंट सिक्वेंस विच इज कन्वर्ज टू जीरो। सो एक्स एन कन्वर्ज टू जीरो। आपको पता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है देन इट्स लिम सुपीरियर एंड लिम इंफीरियर विल बी इक्वल टू इट्स लिमिट। सो इन पर्टिकुलर इट इम्प्लाइज लिम सुप ऑफ एक्सएन इज इक्वल टू जीरो एंड लिम इंफीरियर ऑफ एक्सएन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। बोथ आर इक्वल टू जीरो सिंस जीरो इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। सो आपका ऑप्शन जो सी हो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। And obviously A and B and D are wrong. तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है कि कोई भी सिक्वेंस अगर कन्वर्ज करते हैं इफ एंड ऑन लीफ उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों की आपकी कॉमन वैल्यू होगी तभी आपकी सिक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज होगी। तो इस वीडियो में हमने पांच प्रॉब्लम करी हैं आपके पास सिक्वेंस की। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर IIT JEE 2021। तो आप गूगल प्ले स्टोर से रामानुजन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं IIT JEE 2021 के लिए। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अगेन हम कुछ प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।